कुछ और मैनेजमेंट, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक खास बातचीत के लिए अब जुड़ रहे हैं CNH इंडस्ट्रियल इंडिया के MD रौनक वर्मा। उनसे जरा करते हैं बातचीत और उनसे समझते हैं कि इस समय ट्रैक्टर डिवीजन में काम कैसे हो रहा है और खासकर कैसे उसमें हमको और आगे बढ़ना है। खैर आप सर, आपसे रौनक अपल तो बहुत शुक्रिया 1800 देश को समय देने के लिए। ये ग्रोथ पोटेंशियल आप कितना देखते हैं ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में पर्टिकुलरली? देखिए, ग्रोथ ट्रैक्टर मार्केट जो है लास्ट ईयर अपने हाईएस्ट एवर नंबर्स पे थी। 9 लाख ट्रैक्टर से ज्यादा थी और इसके एडिशन में करीब 1.25 लाख ट्रैक्टर हमने एक्सपोर्ट भी किया है इंडिया से। 10 लाख ट्रैक्टर से ज्यादा की प्रोडक्शन है इंडिया में। इस साल आई थिंक ट्रैक्टर मार्केट थोड़ी इफेक्ट होगी, 8 to 9% की डिक्लाइन आएगी मार्केट में। बट दिस येस्ट फिर भी सेकेंड हाईएस्ट ट्रैक्टर मार्केट रहेगी। और जो स्ट्रेंथ है ट्रैक्टर मार्केट में, हमारे हिसाब से तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कि अभी जो ट्रैक्टर की पार्क है वो तो सिर्फ 50 लाख ट्रैक्टरों की है और हमें चाहिए करीब 1.25 करोड़ ट्रैक्टर की पार्क जो इंडिया को के फार्म्स में की में जरूरत है आज के दिन। ये अपॉर्चुनिटी जो है करीब 8 से 10 मिलियन या मतलब यानी कि 80 लाख से 1 करोड़ ट्रैक्टर की जरूरत है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट डेकेड और सो। रौनक, अगला क्वेश्चन मेरा है डबलिंग को ही लेकर होगा। व्हाट इज आपका कितना कॉन्फिडेंस है कि डबलिंग हो जाएगा शेयर्स का और इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है सर? देखिए, न्यू हॉलैंड ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है वो अपने उसके कस्टमर बेस है और एक नीश प्रोडक्ट से मानी जाती है। इसमें हम ये जो अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेल नोन हाई हॉर्स पावर मार्केट में। ये हमारे 40 to 50 हॉर्स पावर जहाँ पे 50% से ज्यादा मार्केट है, इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन को हमें बढ़ाना है। इसके लिए हम कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं ताकि हम इस मार्केट और हमारे कस्टमर्स की नीड्स को हम पूरे कर सकें। उसके अलावा हमारे डीलर नेटवर्क जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश रहेगी। ऑल्सो sub-30 जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आज के दिन में, वो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको लॉन्च उस में प्रोडक्ट देख रहे हैं ताकि लॉन्च कर सके, ताकि हम करीब इंडिया के 90% 100% मार्केट को हम एड्रेस कर सके और इससे हमारे कस्टमर्स को हम एड्रेस कर पाएंगे और इसके साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू हॉलैंड की सेल्स भी बढ़ सकेगी। ऑल राइट, सो मार्केट शेयर आपका डबल हुआ है। ऐसे में आप अगर हमें ये जानना हुआ कि मिस्टर वर्मा की कौन सी नई कैटेगरीज हैं या फिर दूसरी ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ कंपनी फोकस कर रही है? ग्रुप जो है CNH इंडस्ट्रियल, इंडिया में एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है जो न्यू हॉलैंड ब्रांड के अंडर बेचे जाती है, एंड देयर इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो केस ब्रांड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा हमारी एक थर्ड सेगमेंट है जो कि एक कैप्टिव फाइनेंस कंपनी है जो हमारे कस्टमर्स और डीलर्स के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। तो हमारी फोकस दोनों सेगमेंट्स में है। हम बिलीव करते हैं कि फॉर फॉर CNH इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में है फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज ऑल्सो वी एक्सपेक्ट कि काफी रोबस्ट रहेगी जो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि बोथ सेगमेंट्स काफी कंट्रीब्यूट कर सकेगी फॉर अस इन CNH इंडस्ट्रियल। ऑलराइट मिस्टर वर्मा, अगर हमें थोड़ा सा आपसे बाइफर्केशन चाहिए, अगर आप हमें बता पाएं कि आपकी जो एग्री मशीनरीज कैटेगरी है और दूसरा आपका जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस है, इन सबकी इनकी अगर आप थोड़ी हमें बाइफर्केशन शेयर कर पाएं कि बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं या फिर आप अपने एक्सपोर्ट मिक्स को भी हमसे शेयर कर पाएं। इन एग्रीकल्चर सेगमेंट हमारे इज अ मेजर सेगमेंट। ऑलमोस्ट 2/3 जो हम बेचते हैं, अबाउट 65 to 70% डोमेस्टिक है, सॉरी एग्रीकल्चर है, और 1/3 इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाय रेवेन्यू। ये एक्सपोर्ट मिला के है। अगर हम एक्सपोर्ट की एलोकेशन देखते हैं जो
एक स्ट्रैटेजी हमारी ग्रुप ने जो अडॉप्ट करती है ताकि वी आर एबल टू सर्व बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। तो रफली अराउंड 30 to 35% इज एक्सपोर्टेड, बाकी हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए एलोकेट करते हैं टू मीट द डिमांड्स ऑफ आवर डोमेस्टिक कस्टमर्स। रौनक, क्या इंडिया में आप किसी प्लांट का प्रोडक्शन रैंप अप करना चाहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं? वी विल स्टार्ट एडिंग, वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हम नेक्स्ट मंथ से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड देन ऑलरेडी 260,000 ट्रैक्टर्स एंड ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन 75,000 कैपेसिटी, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें इंस्टॉल करने में, अबाउट अ ईयर और सो, बट वी वॉन्ट टू बी अहेड ऑफ द डिमांड। ठीक है रौनक, एक और पॉइंट भी आपसे, गवर्नमेंट का भी रूरल फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से कितना चेंज होगा, स्पेशली इन एग्री डिवीज़न में ही? आज के दिन जो टोटल अगर हम देखें टोटल मार्केट है फॉर एग्रीकल्चर इज लगभग $7 बिलियन है, राइट? सो जो एग्रीकल्चर या मार्केट इक्विपमेंट मार्केट अगर हम बोले, एंड बिटवीन 3.5 to 4 बिलियन कंस्ट्रक्शन में है। ये डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ। इस ऑन टॉप ऑफ दिस देर इज एन एक्सपोर्ट कंपोनेंट जो आप जोड़ सकते हैं, बट ये जो मार्केट है आई थिंक ओवर द नेक्स्ट डेकेड अगर 10 साल अगर हम देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आई थिंक यू कुड अचीव ऑलमोस्ट 40 to 50% ग्रोथ फ्रॉम वेयर वी आर। एंड फॉर एग्रीकल्चर मार्केट ऑल्सो मेरे हिसाब से विल रिमेन रोबस्ट। 10 लाख ट्रैक्टर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग वेरी इन द नियर फ्यूचर एंड पॉसिबली इवन एक्सीडिंग दैट सो एनुअली, ठीक है? सो अगर हम देखें तो ये मार्केट, ये दोनों सेगमेंट्स हमारे लिए एंड ऑल्सो फॉर इंडिया एज अ होल हमारे हिसाब से काफी रोबस्ट रहे। ऑल राइट मिस्टर वर्मा, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट यू गो, कि क्योंकि हम जानते हैं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो एग्री स्टेट्स के लिए बहुत क्रूशल है, ट्रैक्टर्स, और अब जो दो मेजर स्टेट्स हैं, आप चाहे वो नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें, यूपी, वहाँ तो इलेक्शन के बाद भी, और पॉलिसी रिफॉर्म्स, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। यूपी में तो खैर वही सरकार है, बीजेपी की सरकार रहेगी, लेकिन पंजाब में सारे समीकरण बदल गए। अब विद द न्यू गवर्नमेंट आपको कैसी दिख रही है ये डेवलपमेंट? देखिए, हमारा प्लांट है यूपी में, इज द ओनली ट्रैक्टर प्लांट एंड मेन चीज हमारे साथ है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। इससे इफ वी सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस आई थिंक इट इज गुड। आई थिंक द गवर्नमेंट इज क्वाइट ओरिएंटेड कि फार्म कम्युनिटी को हेल्प कर सके। ये उन्होंने बहुत तरह के पॉलिसीज लाए हैं ताकि हमारे जो किसान भाई हो उनको उनको फायदा हो सके, उन पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो सके। आई थिंक काफी पॉजिटिव्स है और काफी पॉजिटिव इंटेंट है गवर्नमेंट की। सो दिस हमारे हिसाब से शुड एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी थिंक कि ये जो मार्केट्स हैं दे विल रिमेन रोबस्ट, ठीक है? पंजाब में गवर्नमेंट ने चेंज आया है, बट आई थिंक पंजाब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। वहाँ के फार्मर्स काफी एजुकेटेड हैं एंड आई थिंक फॉर एज अ कंपनी जो हम प्रोडक्ट्स ला सकते हैं फॉर टू मीट आवर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक हमारे में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उनके नीड्स सर्व कर सकेंगे एंड बी एबल टू मेंटेन और ग्रो इन दीज टू मार्केट्स एज वेल बिकॉज दे आर वेरी क्रिटिकल मार्केट्स फॉर अस। चले तो जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट में ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ी है और आपका डबल हुआ है मार्केट शेयर, उसके बाद अपना ये व्यू हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वर्मा, आज समय देने के लिए।